Now let us discuss some more things about this chapter. This is the equivalent definition, axioms and postulates. So look at this written on the screen. Euclid's definitions, axioms and postulates. The Greek mathematicians of Euclid's time thought of geometry as an abstract model of the world in which they lived. The notions of point, line, plane or surface and so on were derived from what was seen around them. From studies of the space and solids in the space around them, an abstract geometrical notion of a solid object was developed. A solid has shape, size, position, and can be moved from one place to another. Its boundaries are called surfaces. They separate one part of the space from another and are said to have no thickness. The boundaries of the surfaces are curves or straight lines. These lines end in points. Okay. So, यहाँ पे ये हमें सरफेसेस के बारे में बता रहे हैं, कर्व के बारे में हमें बताया है, स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें यहाँ पे बताया है और पॉइंट के बारे में हम लोगों को बताया है. सो ग्रीक मैथमेटिशियन इक्विलेड टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड, राइट. द नोटेशन ऑफ द नोटेशन ऑफ पॉइंट लाइन प्लेन एंड सो ऑन वर डेराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड. तो ये जो नोटेशन होते हैं कि लाइन को हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, पॉइंट को हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, ठीक है. सरफेस को हम लोग ऐसे बनाते हैं, सो दिस इज द सरफेस. तो ये कहाँ से डराई हुआ? सो जो उन्होंने अपने आसपास दिखाई दिया, ऐसे लाइन उन्होंने अपने आसपास जो चीजें उन्हें दिखाई दी उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको ड्रॉ कर दिया, राइट. सो बेसिकली इसको लाइन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लाइन. क्यों लाइन बोलते हैं इसको? ऐसी ही लाइन ऐसी ही क्यों होती है? लाइन ऐसी भी तो हो सकती थी. इसको लाइन बोल देते, इसको लाइन बोल देते तो क्या प्रॉब्लम थी? सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन. और इसको बोल देते रजनीकांत, इसका नाम रख देते अगर, तो ये रजनीकांत बोला करते हैं हम. सो ड्रॉ रजनीकांत, रजनीकांत को ड्रॉ करो, विच इज हैविंग नो एंड पॉइंट नो बिगनिंग पॉइंट. तो इनको जो बनाया उन्होंने अपने आसपास जो चीजें देखी उनके ही अकॉर्डिंग उन्होंने इनकी नोटेशंस दे दी, पॉइंट की नोटेशंस, लाइन की नोटेशंस. और ट्रेडिशनली हम लोग इनको ऐसे ही बनाते आ रहे हैं जैसे उन लोगों ने यूज किया था वहां पे, राइट. सो फ्रॉम स्टडीज ऑफ द स्पेस एंड सॉलिड इन द स्पेस अराउंड देम, तो उन्होंने जो स्टडी किया स्पेस के बारे में और सॉलिड्स के बारे में अपने आसपास के, सो एन एक्सेप्ट ज्योमेट्रिकल नोशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट वॉज डेवलप्ड. सो जो ज्योमेट्रिकल नोशन होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वो डेवलप हुआ. तो सॉलिड शेप्स के बारे में बताया उन्होंने, सॉलिड हैज शेप. तो सॉलिड की शेप भी होती है, साइज भी होती है, पोजीशंस भी होती है. सॉलिड, सपोज दिस इज द सॉलिड थिंग, तो इसकी कुछ ये पैन है, तो इसकी एक शेप भी है, एक इसका साइज भी है, एक इसकी पोजीशन भी है कि यहाँ पे अभी पोजीशन है, अब यहाँ पे पोजीशन आ गई है, ठीक है. एंड इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसको मैं यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर राइट इधर लेफ्ट भी इसको मूव कर सकता हूं. सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज सॉलिड. सॉलिड के बारे में बताया यूक्लिड ने हमें, जिस चीज की शेप हो, साइज हो, पोजीशन हो, जिसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव किया जा सके, दैट थिंग इज कॉल्ड एज सॉलिड, राइट. एंड इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस. सो सपोज ये है, इसको लेता हूं, सब लुक एट दिस, ये एक सॉलिड है. सॉलिड क्यों है? क्योंकि यूक्लिड ने बताया था जिस चीज की शेप हो, शेप है इसकी, साइज हो, साइज भी है, पोजीशन है, पोजीशन भी है. नीचे से यहाँ पे उठा के लाया हूं इसको, ये अब इसकी यहाँ पे पोजीशन है. क्या इसको मूव कर पा रहा हूं? यस, मूव कर पा रहा हूं, ऊपर नीचे भी मूव कर पा रहा हूं. तो ये सॉलिड है अकॉर्डिंग टू द इक्विलेट, ठीक है. अब इस सॉलिड की बाउंड्रीज भी है, आपको बाउंड्रीज दिखाई दे रही होंगे, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस सॉलिड. सो इन बाउंड्रीज को, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड, इक्विलेट ने क्या बोला है बाउंड्रीज को, बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस, राइट. And they separate one part of the space from another and are said to have no thickness. तो जो boundaries हैं इनकी बोला thickness नहीं है, boundaries की thickness नहीं है, और ये एक part space का दूसरे parts को separate करती हैं boundaries, right? ये space है, देखो इसके ऊपर भी space है, इसके नीचे भी space है. तो इस boundary ने और इस boundary ने क्या किया, इस space को, ऊपर और नीचे वाले space को क्या कर दिया है, सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक ऊपर वाला स्पेस हो गया, एक नीचे वाला स्पेस हो गया, राइट. एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस आर कर्व्स. तो जो सरफेस की बाउंड्रीज है कर्व हो सकती है. इसकी कैसी बाउंड्री है? स्ट्रेट लाइन है, राइट. सो लेट अस टेक अनदर
अनदर सॉलिड, लुक एट दिस, इसकी कैसी बाउंड्री यहाँ पे कर्व आ रहा है, यहाँ पे इसमें इसकी बाउंड्री में कर्व आ रहा है, राइट तो इसकी बाउंड्री में यहाँ पे कर्व आ रहा है, ये देखो इसकी बाउंड्री में यहाँ पे कर्व आ रहा है। तो बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्रीज द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेस आर कर्व और स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया और इसकी बाउंड्रीज में कर्व आ गया, राइट। तो बाउंड्रीज कैसी हो सकती हैं, दो तरह की हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं और कर्व हो सकती हैं, ये हमें किसने बताया, इक्विलिड में। एंड दीज एंड लाइंस, लाइंस एंड इन पॉइंट्स, तो जो लाइन का एंड होता है पॉइंट में, तो एक एंड है तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो ये दो पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। सो ये हमें ये चीज इक्विलिड ने बताई थी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर अभी पिछले वाले पोस्टुलेट में एक चीज बता सकते हो कि सर जो नॉर्मल 3D सरफेस होता है तो वो कर्व्ड में कैसे एंड हो सकता है, सिलेंडर। क्या क्वेश्चन पूछा है आपने, दोबारा बोलेंगे। जो थ्री सर कोई भी सॉलिड सर उसका कर्व, उसका जो सरफेस है वो कर्व कौन कैसे होता है, कौन से एग्जांपल उसमें। जो कोई सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड मान लिया, ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, फिर क्या पूछ रहे हैं, दोबारा बोलो। सर उसका जो सरफेस है वो कर्व कैसे होता है, क्योंकि देखो कर्व है इसका सरफेस, सरफेस इज कर्व, तो सरफेस तो होगा किसी ना सॉलिड में भी, सरफेस तो होगा। और यस वो ना एग्जांपल हिट नहीं किया था मैंने सिलेंडर का। लुक एट दिस एग्जांपल हियर, दिस इज इन 3D, इसमें देखो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और ऐसे भी है, ये जेड एक्सिस भी है। सो दिस ग्लास इज इन सिलेंडर, राइट, ये सिलेंडर में है और आपका क्वेश्चन है कि इसमें कर्व कहां से होगा। देखो कर्व है, कर्व इज देयर एट द बाउंड्रीज, सारी बाउंड्रीज पे कर्व है, ऊपर भी कर्व है, नीचे भी कर्व है। आई होप एम आई एबल टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दिस ग्लास ऑफ वाटर गिव द आंसर ओनली, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन इट। ओके सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वैष्णवी कुड यू प्लीज रीड दिस। ओके सर, कंसिडर द 3 steps फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स, सॉलिड सरफेस लाइंस पॉइंट्स। In each step, we lose one extension, also called a dimension. So a solid has 3 dimension, a surface has 2, a line has 1, and a point has none. Euclid summarized these statements as definitions. He began his exposition by listing 23 definitions in book 1. By listing 23 definitions in book 1 of the elements. A few of them are given below. First, a point is that which has no part. Second, a line is breadthless length. Third, the end of a line are points. Fourth, a straight line is a line which lives evenly with the point on itself. Which lie evenly with the point on itself. Fifth, a surface is that which has length and breadth only. Sixth, the edges of a surface are lines. Seven, a plane surface is a surface which lie evenly with the straight line on itself. Okay. So, Euclid ने एक बुक लिखी थी, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, क्या नाम था उस बुक का, एलिमेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दैट बुक, एलिमेंट्स? 13। कितने चैप्टर थे उस बुक में, किसी को याद है? 13, yes. 13 chapters are there in that book, and that 13 chapters are divided into the different books, right? Now, उसी book में से book 1 of elements, right? So 13 books थी वहाँ पे, each chapter
हर एक चैप्टर को एक बुक की फॉर्म में वहां पे बनाया था। उन्होंने क्या किया, ही बिगेन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशन इन बुक वन ऑफ द एलिमेंट्स। सो द एलिमेंट बुक में, बुक वन में उन्होंने 23 डेफिनेशंस दी थी। किस चीज की डेफिनेशन, जैसे पॉइंट की, लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, सरफेसिस की, प्लेन सरफेसिस की, क्या होते हैं ये, तो इक्विड ने उनकी डेफिनेशंस दी थी। तो हमें वही यहाँ पे इसमें 7 डेफिनेशंस यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है उन उस बुक में से लेके। तो 7 डेफिनेशंस आर गिवन आउट ऑफ दैट 23 डेफिनेशंस देयर, राइट, इन ब्रीफ फॉर्म। यहाँ पे छोटी सी फॉर्म में हमें एक डेफिनेशन इन्होंने बता दिया, वहां पे इलेबोरेट किया होगा इसको, राइट। अब देखिए इसमें ये इन्होंने बताया, कंसिडर 3 स्टेप फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। सॉलिड से पॉइंट में आने के लिए 3 स्टेप होते हैं, सॉलिड, फिर सरफेस, फिर लाइन और फिर पॉइंट, राइट। अभी बताता हूं इसको कैसे चेंज होता है। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन, हर एक स्टेप में हम लोग एक एक्सटेंशन को लूज कर देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड अ डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड एज डायमेंशन। सो सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, सॉलिड हैज 3 डायमेंशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू रिड्यूस इट फ्रॉम सॉलिड टू सरफेस and surface to line and line to point. Look at this. What is this? This is solid, right? This thing is called as solid. And it is in which, it is in how many dimension? In 3D. 3 dimension. 3 dimension ka matlab hai, we have already discussed all that things in detail in chapter 3. What is the meaning of 3 dimension and 2 dimension? Let me explain that thing again. Isme x-axis bhi hai, aise bhi hai, aise bhi hai, y-axis bhi hai, aise upar ki taraf, ऐसे x एक्सिस भी है और ऐसे भी है, z एक्सिस भी है। सो दिस थिंग इज हैविंग, दिस सॉलिड इज इन 3D शेप, राइट। सो दिस इज सॉलिड हैज 3 शेप्स, ठीक है, ये सॉलिड है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सॉलिड, लेट मी पुट दैट सॉलिड असाइड। लुक एट दिस, लुक एट दिस हियर, लुक एट दिस थिंग, दिस थिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज सरफेस। ये क्या है, सरफेस है ये, क्यों इसको सरफेस बोल रहे हैं, सरफेस हैज टू डायमेंशन। तो इसमें देखो लेंथ इसमें x है और ब्रेथ y है, सो इट इज हैविंग ओनली द टू एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टू डायमेंशन। तो इसकी जो ये विथ है ये नेग्लिजिबल है, इसको मैंने अप्रोक्स 0 ले रखा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज सरफेस। तो अब क्या देखा आपने, ये सॉलिड से किसमें चेंज कर लिया, सॉलिड की अगर, सो इस सॉलिड की अगर क्या खत्म कर दें, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 चीजें होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इसकी अगर जेड एक्सिस खत्म कर दें ऐसे आगे पीछे वाली, तो ये आ जाएगा, ठीक है, सॉलिड से क्या आ गया, सरफेस। आई बात समझ, सॉलिड से सरफेस, तो वो 3D में था, ये 2D हो गया, 2D मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। अब इसमें एक लाइन बनाते हैं, सपोज दिस इज अ वायर, इट इज लाइक अ लाइन, ये एक लाइन की तरह है। इट डू नॉट हैव, अगर ये नेग्लिजिबल इसको मैं लू यहां पे, सो इट डू नॉट हैव, इट इज हैविंग ओनली द एक्स एक्सिस, लाइन में क्या है, केवल एक्स एक्सिस है, सो लाइन हैज वन डायमेंशन ओनली, राइट। सो लाइन में चेंज हो गया, राइट। सो देन अ पॉइंट हैज नन, और पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में हम लोग उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये मैं बता दूं आपको, सॉलिड, लेट मी राइट दिस थिंग हियर, सॉलिड से किसमें चेंज किया, सरफेसेस में, सरफेसेस से लाइंस में, एंड लाइन से पॉइंट में। तो सॉलिड कितने डायमेंशन में होती है, 3D में, सरफेस कितने डायमेंशन में होता है, 2D, लाइन इज इन 1D ओनली, एक्स एक्सिस, और वी कैन से दैट वी कैन नंबर लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इट इज हैविंग ओनली 1 एक्सिस, राइट। एंड द पॉइंट हैज नन, पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। आई होप दिस थिंग इज लिटिल बिट क्लियर टू यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायमेंशन एंड व्हाट इज 3D, 2D एंड 1D। इक्विलिड ने क्या किया, इक्विलिड समराइज ऑल दीज डेफिनेशंस, इक्विलिड ने इन सभी डेफिनेशंस को समराइज कर दिया। कैसे समराइज किया इन्होंने, देखिए उन्होंने पॉइंट की डेफिनेशन दी, पॉइंट की क्या डेफिनेशन होगी, क्या पॉइंट का कोई पार्ट किया जा सकता है, एक पॉइंट है वो क्या उसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने समराइज किया, पॉइंट की डेफिनेशन दी इक्विलिड ने, व्हाट इज पॉइंट, उन्होंने कहा पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसके कोई भी पार्ट नहीं होता है,
राइट। लाइन को उन्होंने क्या डेफिनेशन दी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन। लाइन में देखिए आप, लाइन बनी कैसे, सपोज एक रेक्टेंगल था यहां पे मेरे पास, लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग देन यू विल कनेक्ट विद द डेफिनेशन। सपोज दिस इज द रेक्टेंगल, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस रेक्टेंगल इज, इट इज 2D 3D और 1D दिस रेक्टेंगल। एनीवन सेड So 2D. Yes, it's 2D. This is the example. So it is having x-axis and having y-axis. So it is 2D. So इसमें देखिए इस rectangle की अगर मैं ये length है. और this is this y is called as breadth. This thing is the breadth. Okay. So if I regularly decrease the breadth, अगर मैं इसकी breadth को decrease करूं. कम हो गई ब्रेथ, अब ये ब्रेथ हो गई, और कम करता हूं यहां पे आ गया, ठीक है, और कम करता हूं इसकी ब्रेथ यहां पे आ गया, ठीक है। अगर अब देख रहे हैं अब कितनी ब्रेथ हो गई है, बहुत कम ब्रेथ हो गई है इस रेक्टेंगल की। इफ यू टॉक अबाउट दिस रेक्टेंगल, अगर इसकी और ब्रेथ कम करता हूं, मैं यहां पे आ गया, आई एम जस्ट बिलो अबाउट द लेंथ, लेंथ के जस्ट ऊपर हूं, और मैंने क्या किया, मैंने इसकी लेंथ बिल्कुल ही खत्म कर दी और मैं इसके ऊपर ही आ गया लाइन के। तो मैंने ब्रेथ को क्या किया, ब्रेथ कितनी हो गई, अब कोई ब्रेथ है यहां पे इसके ऊपर, नो ब्रेथ, सो देयर इज ब्रेथ है ही नहीं वहां पे। सो इन दैट केस ब्रेथ इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट इट इज ब्रेथ लेस। तो बेसिकली ये बन क्या गया, अगर मैंने इसकी लेंथ को ब्रेथ को कम करते करते लाइन बन गई है। यस इट बिकम अ लाइन, एक ऐसे हमें ऐसे मिल गई है, ये ऐसा बन गया है, सो इट बिकम अ लाइन। सो लाइन में क्या होता है, ब्रेथ होती है, ब्रेथ क्या हो गई है वहां पे, ब्रेथ लेस, राइट। बचा क्या है, केवल ओनली लेंथ। सो इक्विलिड ने देखो डेफिनेशन दी लाइन को, बड़े एक ब्यूटीफुल वे में उन्होंने यहां पे लाइन की डेफिनेशन प्रेजेंट की। उन्होंने बोला लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, सो दिस इज अ डेफिनेशन। इफ समवन आस्क्स व्हाट इज लाइन, सो व्हाट इज लाइन, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। तो ब्रेथलेस, ब्रेथ नहीं होती है, एंड लेंथ ओनली, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। आई होप दिस डेफिनेशन इज Now clear to you, what is line? Yes, sir. Or sir, can we say a line is a breadthless polygon? What? A line is a breadthless polygon. Polygon में तो 5 sides, 6 sides भी आ सकती हैं। उस केस में quadrilateral. Polygon की अगर हम लोग बात करें, suppose if you are talking about a triangle, right? Triangle is also a polygon. तो ट्रायंगल में ब्रेथ नहीं होती है, ट्रायंगल में ब्रेथ कहां होती है, जैसे बात करें आप पेंटागन हेक्सागन में, तो उनमें ब्रेथ नहीं होती है। ब्रेथ एंड लेंथ वी ओनली यूज दीज टू वर्ड्स इन द केस ऑफ स्क्वायर, इन द केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। यस सर, सो अ लाइन कैन बी अ ब्रेथलेस क्वाड्रिलेटरल। यस, ब्रेथलेस क्वाड्रिलेटरल और ब्रेथलेस रेक्टेंगल और ब्रेथलेस स्क्वायर, वी कैन से दैट। And if there is no breadth, so what does it mean? It means there is only a length is there, right? Now look at this third point. जो line के जो end होते हैं, that is called as points. The end of a line are point. Suppose ये line मैंने बनाई, यहाँ पे बनाता हूँ, ये नीचे एक line बनाई मैंने red color की, तो ये जो end है यहाँ पे, ये और ये, so this end is called as this end. This thing and this thing is called as point. So this is the definition given by Euclid. Straight line की क्या definition दी Euclid ने? Straight line को उन्होंने define किया, straight line is a line which lies evenly with the points on itself, which lies evenly with the points on itself. So straight line की जो definition है, straight line is a line which lies evenly with the point on itself. So, जैसे point है, एक straight line है, तो इसके जो point होंगे itself, point उसी के ऊपर ही होंगे, ठीक है। और अगर एक line ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो तीन line से बनेगी, तो उसपे सीधी line होगी, तो सीधी line पे जो point होंगे, point उसी के ऊपर होंगे, all the points lie on that. अगर एक point इधर lie करेगा, एक इधर lie करेगा, एक इधर lie करेगा, so that points are not collinear, they are not lying on the same line, right? Surface की definition दी उन्होंने, surface, so this is the surface. इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर क्या है,
length है, length and breadth. So that is the definition. What is surface which have length and breadth? So Euclid ने बहुत simplified way में हमें definitions दी थी हर चीज की. Surface को क्या बोलेंगे? Which has length and breadth only. जिसके अंदर केवल length और breadth ही हो, that is called as surface. और देखो, a plane surface is a surface. Plane surface एक तरह का surface ही होता है, which evenly lies with a straight line on itself. तो जिसके ऊपर हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकें, तो इसके ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं इस सरफेस के ऊपर, ठीक है. अगर मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूं, तो देन दैट इज स्ट्रेट लाइन इवनली लाई ऑन दैट इज कॉल्ड एज प्लेन सरफेस. एंड द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस. तो जो एजेस हैं, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये लाइंस है. सो वो यूक्लिड ने ये सेवन डेफिनेशंस हम लोगों ने यहां पे देखी, और ये डेफिनेशंस कहां पे यूक्लिड ने लिखी हुई हैं अपनी बुक में, एलिमेंट्स बुक का नाम था. ये चीजें हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एंड 23 डेफिनेशंस आर देयर इन बुक 1, एंड आउट ऑफ दैट 7 डेफिनेशंस वी हैव डिस्कस.